Am I audible? Good evening, everyone. आप लोगों ने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए? ठीक है, ओके। बाकी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। जल्द से जल्द कंप्लीट करो उसे। मैंने संडे भी दिया था आपको नोट्स कंप्लीट करने के लिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुकेश। गुड इवनिंग। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने आपको स्विच केस बता दिया था। स्विच केस के अंदर बोला था कि 1 प्रेस करने पर प्लस हो, 2 प्रेस करने पर 3 हो, और 2 प्रेस करने पर नेगेटिव हो, सब्ट्रैक्शन हो, और 3 प्रेस करने पर मल्टीप्लिकेशन हो, और 4 प्रेस करने पर डिवीजन हो। तो ये वाला एग्जांपल मैंने करा दिया था, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि अगर मैं प्लस साइन को ऑपरेट करना चाहता हूँ कि आपको प्लस दबाएं तब जाके एडिशन हो, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस बटन दबाएं तब सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन दबाएं तब मल्टीप्लिकेशन हो, और डिवीजन वाला बटन दबाएं तो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया? ये बताइए, जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हो गया या नहीं? गुड इवनिंग एवरीवन। ये बताइए, होमवर्क जो दिया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं? गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग चंचल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, मैंने जो होमवर्क दिया था उसके बारे में बताइए, कंप्लीट किया या नहीं किया? चंचल, किया तो है लेकिन आउटपुट आया? ओके, जिस जिसने किया है वो मुझे सेंड करना अभी, ठीक है? जब लेक्चर खत्म हो जाए तो उसके बाद सेंड करना। वैसे जिसने भी नहीं किया है मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे
वर्ड में। अब मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे पिछली बार लिए थे मैंने एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज मैं एंटर करा लेता हूँ। तो एक्स और वाई के अंदर अगर मैं यूजर से वैल्यू लेना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, क्योंकि मैं यूजर को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो दो वैल्यू एंटर कराए। मैंने लिखा कि एंटर टू वैल्यूज, ठीक है, ये एक मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। देन इसके बाद मैंने स्कैन करवाई वैल्यूज, स्कैन एफ डेल, अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू तो इंटीजर टाइप का हो जाएगा, अगर मैं फ्लोट लेना चाहूँ तो फ्लोट ले सकता हूँ, मैं इंटीजर ले रहा हूँ इस बार। तो परसेंट डी, दो बार परसेंट डी लगाया। देन इसके बाद मैंने एम परसेंट ऑफ एक्स लगाया और एम परसेंट ऑफ वाई लगाया, ठीक है, ये हो गया, वैल्यू स्कैन हो गई इसके अंदर। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि मुझे कुछ आउटपुट में इस तरीके से चाहिए कि एक मैसेज लिखा है कि प्रिंट, क्या मैसेज आए कि प्लस प्रेस करने पर प्रेस प्लस फॉर एडिशन, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट होकर आए। देन इसके बाद फिर लिखे प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होकर आए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने सीधे क्या लिखा, प्रिंट एफ डबल कोट में लिख दिया प्रेस प्लस फॉर एडिशन, ठीक है, देन उसके बाद बैक स्लैश एन लगा दिया। उसके बाद लिखा मैंने प्रेस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर बैक स्लैश एन लगा दिया, फिर लिखा मैंने प्रेस मल्टीप्लिकेशन फॉर MUL, देन फिर बैक स्लैश एन लगा दिया, फिर मैंने लिखा प्रेस प्रेस डिवाइड फॉर डिवाइड देन डबल कोट मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, देन सेमी कॉलन लगा दिया। ये पूरा का पूरा एक ही मैसेज है, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, तो मैं अपनी इस जगह को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। देन इसके बाद मैंने कहा कि स्कैन एफ के बाद मैंने लिया परसेंट सी, देन एक करेक्टर ले लेता हूँ मैं के नाम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी एच इक्वल टू सी एच के करेक्टर सी एच ए आर कैर के नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि सी के अंदर वेरिएबल जो है वो नीचे डिक्लेयर नहीं की जा सकते, इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो सी एच ए आर के नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ये करेक्टर नाम का वेरिएबल है इसलिए मैंने परसेंट सी रखा है इसका, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी, देन ठीक है। तो अब एक ये क्या है, ये प्लस क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है, माइनस क्या है, एक करेक्टर है। अभी मैं 1 2 3 ले रहा था पिछले एग्जाम्पल में, तो वहां पर इंटीजर नंबर लिया था इसलिए मैंने परसेंट डी रखा था, और यहाँ पर कोई वेरिएबल लिया था वो भी इंटीजर टाइप का था, लेकिन अब मैं ले रहा हूँ करेक्टर टाइप का, ठीक है। तो करेक्टर टाइप का लेने के लिए मुझे परसेंट सी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, स्विच केस लगाया, स्विच केस लगाया और इसमें रख दिया सी, ठीक है, इसमें रख दिया सी। देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है, स्विच केस, देन सी लगाया, देन कर्ली ब्रैकेट लगाया,
इसके बाद मैंने लगाया केस, ठीक है, केस लगाया प्लस, ओके। अब इनमें से कोई भी एक करेक्टर दबाएगा, वो प्लस दबाता है, माइनस दबाता है, मल्टीप्लिकेशन दबाता है या डिवाइड दबाता है। तो सबसे पहले मैं एक केस बनाता हूँ, केस प्लस। ये मैंने डायरेक्ट प्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि करेक्टर जो लिखा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि करेक्टर अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूँ करेक्टर एक्स इक्वल टू, तो मुझे उसके अंदर अगर मुझे 5 देना है तो वो सिंगल कोट में देना पड़ेगा। अगर मैंने वहां पर 7 दिया तो वो सिंगल कोट में देना पड़ेगा। अगर मैंने प्लस दिया तो वो सिंगल कोट में देना पड़ेगा। अगर मैंने कोई डॉलर साइन दिया तो वो भी मुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल कोट लगाया है, ओके, क्योंकि ये करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसके बाद मैंने कोलन लगाया, ओके। अब इसके बाद मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, क्या, प्रिंट एफ यहाँ लिख देता हूँ मैं, एडिशन इक्वल टू परसेंट डी देन एक्स प्लस वाई। ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा दिया मैंने केस वन के अंदर। देन ब्रेक कीवर्ड का यूज कर दिया, ठीक है। अब केस दूसरा वाला, नेक्स्ट केस देख लेते हैं इसके अंदर ही। यहाँ पर लिख देता हूँ आगे मैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा केस नेगेटिव। अब माइनस साइन लगाया, देन इसके बाद क्या लगाते हैं, कोलन लगाया, देन अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्रिंट एफ लिखा, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंट डी देन इसके बाद एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स और वाई के अंदर यहां से वैल्यू आ जाएगी। देन इसके बाद मैंने लिखा ब्रेक लिखा, देन इसके बाद फिर केस, एक मल्टीप्लिकेशन बनाया मैंने, देन ये भी करेक्टर टाइप का है, ओके। देन इसके बाद मैंने प्रिंट एफ, सब्ट्रैक्शन हो गया, देन इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एम यू एल इक्वल टू परसेंट डी देन एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेक कीवर्ड लगाया, देन इसके बाद फिर केस लिखा, केस डिवीजन, देन प्रिंट डिव डिव इक्वल टू परसेंट डी देन एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। देन फिर ब्रेक लगाया, देन इसके बाद फिर लिखा मैंने डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट केस में लिख दिया, प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्लोज हो गया। देन इसके बाद वर्ड मेन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पे लिखा गेट सी एच, देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस सिंबल को, माइनस सिंबल को, मल्टीप्लिकेशन सिंबल को, डिवीजन सिंबल से मैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकता हूँ, ठीक है। आप इस जगह आपको 1 2 3 ना देना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आ जाएगा, ओके। अरे यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ सी लिख दिया है मैंने गलती से, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा ये वेरिएबल, क्या होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके, समझ में आया बच्चों, गलती से ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ के वेरिएबल लिया तो यहाँ के लिखेंगे, सी वेरिएबल लेता तो सी लिखता मैं, ठीक।
आगे बढ़े। हाँ करेक्टर के होगा, वी भी मोटिवेशन। आकाश केसरी नहीं, आदर्श केसरी बेटा। आदर्श मैंने आपको बताया था, करेक्टर आप पहला लेक्चर देखिए, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि करेक्टर के अंदर क्या क्या आ सकता है। मैंने बोला था करेक्टर PHAR, अगर मैं एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये 8 बिट को कंटेन करता है, मतलब 1 बाइट स्पेस लेता है। तो इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर मैं इस तरीके से इनको डिवाइड करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर कितने नंबर आ सकते हैं, 0 to 255 नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक ये बात बताई थी, और मैंने एक बात बताई थी कि हमने स्मॉल ए को 97 नंबर दे रखा है, कैपिटल ए को 65 नंबर दे रखा है। ठीक है, तो अगर इसके आगे बढ़ता जाता हूँ तो स्मॉल बी को मैं बोलूंगा 98, स्मॉल सी को बोलूंगा 99। ठीक है, इस तरीके से इनको नंबर्स दे रखे हैं मैंने। और एक और बात बताई थी कि अगर मेरा ए 65 है तो बी कितना होगा, 66 होगा। इसी तरीके से हमारे जितने भी कीबोर्ड में सिंबल्स दे रखे हैं, वो सब करेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस का कुछ नंबर होगा, माइनस का कुछ नंबर होगा, मल्टीप्लिकेशन का कुछ नंबर होगा, डिवीजन का कुछ नंबर होगा। ठीक है, अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इनका नंबर क्या है, तो इसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम लिख लीजिए। इसमें लिखिए वर्ड मेन, ठीक है, और आप लिखिए करेक्टर एक्स इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो प्लस क्या हो गया, एक करेक्टर हो गया, एक सिंबल है जो कि इसके अंदर वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहां पे लगाता हूं प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी, देन एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं, देखिए क्या होगा। एक्स क्या है, एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स के अंदर प्लस वैल्यू असाइन है, लेकिन परसेंट डी लिखने से क्या हो जाएगा, उसकी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो आप इसको प्रोग्राम को करके देखना, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए वो होमवर्क में दे दूंगा लास्ट में क्वेश्चन, तब उसको आप घर से करना।
फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे को बता दूंगा उसे। इससे पहले हम सीख लेते हैं कि लूप कैसे लगाए जाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि लूप क्या होता, लूप कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लूप। ठीक है, लूप क्या होता है, किसी काम को हम बार बार कर रहे हैं तो उसके जो एफर्ट है उसको हम उसके एफर्ट को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। किसी काम को हम बार बार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी चीज को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, एक से लेकर मुझे 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले तो मुझे एक से लेकर 10 तक के नंबर को यूजर से पूछना पड़ेगा। या तो एक तरीका ये है तो मैं क्या करूँ, 10 बार स्कैनर्स लगाऊं, ठीक है, देन उसके बाद यूजर से वो वैल्यू ले लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। और दूसरी बार में मैं प्रिंट करूंगा उनकी वैल्यू को, तो 10 बार प्रिंट एफ लगाऊं, ठीक है। तो अभी मैं 10 बार तो ठीक है मैं लगा सकता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ 1000 नंबर्स को आप स्कैन करिए, 1000 नंबर्स को आप स्कैन करिए, या 1000 नंबर्स को आप प्रिंट करिए, ठीक है। तो 1000 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए इतने टाइम्स प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, तो कितना एफर्ट लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं लूप कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला लूप होता है आपका व्हाइल लूप, दूसरा होता है आपका डू व्हाइल लूप, तीसरा होता है आपका फॉर लूप, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाइल लूप की। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाइल लूप पर, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाइल, देन यहां पर लिखते हैं कंडीशन, देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, व्हाइल लूप लगाते हैं, देन कंडीशन लगाते हैं, इसके बाद यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं कोई इंक्रीमेंट कंडीशन लिखते हैं, या डिक्रीमेंट कुछ टर्म लिखते हैं, या डिवीजन कोई टर्म लिखते हैं, या मल्टीप्लीकेशन कोई टर्म लिखते हैं। तो ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिससे कि ये कंडीशन फॉल्स हो सके, जिससे कि ये कंडीशन फॉल्स हो सके। तो जब ये कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम इस लूप के अंदर फंसे रहेंगे। तो लूप में क्या होता है बेटा, जब हम व्हाइल लूप की बात करते हैं तो व्हाइल लूप में अगर हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं तो व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है मैंने, जब तक वो ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये इस लूप के अंदर फंसा रहेगा, इस लूप के अंदर चलता रहेगा। तो हम ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो सके, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो सके, ओके। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आपको आपको अपना नाम जो है 10 times प्रिंट कराना है, ओके, 10 times प्रिंट कराना है। तो देखते हैं कैसे हम प्रिंट करा पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा void main, ओके, void main, देन इसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर x इक्वल टू 1, इंटीजर x इक्वल टू 1, ओके। ये इंटीजर नंबर क्यों लिया, मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक मुझे, 10 times तक मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है। तो अगर 10 times की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक्स इक्वल टू 1 ले लिया उसके अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा व्हाइल, मैंने लिखा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 के,
एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 के। फिर इसके बाद लिखा प्रिंट एफ और मैंने एक नाम दे दिया अजय, ठीक है। अब इसके बाद अजय देने के बाद मैंने बैक स्लैश एन और लगा दिया। अब मान लीजिए मैंने लिखा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। देन इसके बाद डेट पी एच कर दिया, देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ओके। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले इंट एक्स इक्वल टू वन लिखा है मैंने, तो मान लीजिए एक एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 100 है और एक्स के अंदर वन वैल्यू असाइन हो जाएगी, ओके। तो इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आएगा वाइल, जब तक कि, वाइल का क्या मतलब होता है, जब तक कि वन इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मैं देखा कि वन जो है वो 10 से छोटा है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। तो ट्रू गया तो प्रिंट एफ अजय नाम के स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, अजय नाम के आपका जो स्ट्रिंग दे रखा है उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद बैक स्लैश एन लगाया तो नेक्स्ट लाइन आ गई। अब क्या किया, नेक्स्ट आया तो x इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया, टू। तो इसकी जगह क्या रख देगा, टू रख देगा, ठीक है, ओके ओके। जस्ट अ मिनट, लाइट इसी टाइम पे जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, x इक्वल टू एक्स प्लस वन हुआ, टू वैल्यू हो गई, ओके। फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है तो आगे तो बढ़ नहीं सकता, तो कर्ली ब्रैकेट में जाके क्या करेगा, वाइल में जाके कंडीशन चेक करेगा कि अब x की वैल्यू हो गई टू, वो चेक करेगा कि टू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 के है, वो कहेगा यार बिल्कुल है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आया फिर से अजय प्रिंट कर दिया, फिर से अजय प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद बैक स्लैश एन लगाया तो नेक्स्ट लाइन मिल गई उसको। फिर एक्स की वैल्यू कितनी हुई, थ्री हुई, ठीक है, थ्री हुई। तो क्या होगा, फिर अजय प्रिंट कर देगा, फिर देखेगा थ्री इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर इसके बाद क्या किया, अंदर आया अजय फिर से प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है, अजय फिर से प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन मिल गई उसको। फिर थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिए फिर से क्या करेगा, यहाँ पर फोर इज लेस देन 10, देन इसके बाद अजय फिर से प्रिंट कर देगा, ओके। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू फिर बढ़ा देगा, फाइव हो जाएगी। अब ऐसे बढ़ते 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 क्या होगा, अब यहाँ पर वैल्यू होगी लास्ट में 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 हो गई। अब मैंने देखा और यहाँ पर 10 टाइम्स अजय प्रिंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, ठीक है, 10 टाइम्स ये प्रिंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो अजय लास्ट वाला 10 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद वैल्यू हो गई 11, क्योंकि x इक्वल टू x प्लस 1 हुआ, ओके, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन हुआ, तो यहाँ पर 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो गया। अब चेक किया उसने, क्या 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 के है, कंडीशन बोलेगा फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉल्स होने के कारण इस लूप से बाहर आ जाएगी, देन गेट सी एच मिल जाएगा आपको, देन उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 10 टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, ओके।
एक और बात देखिए, यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट लगाया है, देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टू कर देता, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता, ठीक है, तो क्या होता, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देता तो क्या होता, वही सबसे पहले एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल वन, इसके अंदर वन वैल्यू असाइन की गई है और हंड्रेड एड्रेस है उसका, तो सबसे पहले चेक करेगा वन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू, अजय प्रिंट कर देगा। देन इसके बाद प्रिंट एफ लिखा, देन अजय प्रिंट कर दिया, देन वन इंटू टू, तो एक्स की वैल्यू हो गई टू, ठीक है। फिर चेक किया टू इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू हुई, फिर नीचे आया अजय प्रिंट कर दिया, फिर देखा तो यहाँ पर कितना हो गया, टू इंटू टू कितना हो गया, फोर हो गया। अब आ गया फोर, ठीक है, क्या फोर जो है छोटा है दस से या बराबर है दस के, कंडीशन ट्रू हुई। क्या हो रहा है, दस मिनट देख लेने दीजिए लाइट में क्या दिक्कत होगी। लेक्चर चल रहा है मेरा, जरा कर देना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइट प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, तो एक्स की वैल्यू फोर हो गई थी, तो देखा फोर इज लेस देन टेन, देन अजय प्रिंट कर देगा, देन इसके बाद फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट हो गया, ठीक है। अब चेक करेगा क्या एट इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू होगी, देन उसके बाद फिर अजय प्रिंट कर देगा, देन इसके बाद करेगा 8 इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 16 इज लेस देन इक्वल टू 10, ओके 16 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगी। जैसी फॉल्स हो जाएगी तो आप इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे और आपको 4 टाइम्स अजय प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, और यहाँ पर हम कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं जिससे कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो सके। ओके, समझ में आया, समझ में आया व्हाइल लूप। प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक, ओके। अगर मैं बात करता हूं
मुझे 1 से लेके 100 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, 1 से लेके 100 तक के नंबर को प्रिंट कराना है, ओके। तो मैं कैसे करूंगा? व्हाइल लूप के थ्रू। मैं लिखा वॉइड मेन, वेरिएबल ले लिया इंटीजर एक्स इक्वल टू 1। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, मैं एक्स ले रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने कहा कि व्हाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100, वाई व्हाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100, ओके। देन इसके बाद क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी, देन एक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा लिया। देन इसके बाद एक्स प्लस प्लस लिख दिया, देन एक्स प्लस प्लस लिख दिया। देन इसके बाद गेट सी एच लिख दिया, देन कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको खत्म कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू 1, तो पहले चेक करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 100। अब देखा उसने 1 को प्रिंट कर दिया, 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद किया उसने एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, यही तो होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। या तो एक्स प्लस प्लस लिख दूं या फिर मैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख दूं। बात देखिए तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू होगी, और इसके बाद 2 वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ये बगल में प्रिंट क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने बैक स्लैश एन नहीं लगाया। जैसे ही मैं बैक स्लैश एन लगा दूंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट देने लगेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, एक्स इक्वल टू मान लीजिए ये 200 एड्रेस दे रखा है और इसके अंदर 1 वैल्यू दे रखी है। तो पहले चेक किया था 1 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू हुई, 1 प्रिंट हो गया। 2 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू हुई, 2 प्रिंट हो गया। 3 इज लेस देन 100, कंडीशन ट्रू होगी और 3 प्रिंट कर दी, 3 इज लेस देन 100, देन 3 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से 4 प्रिंट कर देगा, इसी तरीके से 4 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। डॉट 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 100 तक के सारे नंबर्स को यह प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? मैंने बैक स्लैश टी नहीं लगाया है, मैं ये अगर चाहूं तो लगा सकता हूं, मैं यहां पर लगा सकता हूं बैक स्लैश टी, ठीक है। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकता, तो इनके बीच में गैप मिल जाएगा। जैसे 1 यहाँ लिखा होगा, 2 यहाँ लिखा हुआ, 3 यहाँ लिखा हुआ, 4 यहाँ लिखा हुआ, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सिद्धांत समझ में आ गया? बस एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी बच्चा यहाँ सेमी कॉलन ना लगा दे, कोई भी यहाँ पर सेमी कॉलन ना लगा दे। आपने जैसे ही सेमी कॉलन लगाया तो इसका क्या मतलब है, व्हाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, देन इसके बाद सेमी कॉलन। मतलब सेमी कॉलन का मतलब इसके अंदर आप जाइए मत, सीधे यहाँ आ जाइए, गेट सी एच के आ जाइए। तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर घुसेगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाना है आपको, ओके। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। सेकंड वन है आपका डू वाइल लूप। देखिए सिंटेक्स देख लीजिए, सबसे पहले डू लिखते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट आप बगल में भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। डू यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, देन इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट
डिक्रीमेंट या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कुछ भी आप लगा सकते हैं जिससे कि कंडीशन फॉल्स हो। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन इसके बाद लिखते हैं व्हाइल, देन यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन, देन सेमीकोलन। तो सबसे पहले डू लिखते हैं, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं, देन इसके बाद व्हाइल कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन किया था। ओके ओके, तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा डू व्हाइल से तो कैसे करूंगा? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो ये हो गया वैल्यू का इनिशियलाइजेशन, ठीक है। देन इसके बाद डू, देन कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ मैं, क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ प्रिंट एफ कि भाई परसेंट डी बैकस्लैश एन, देन एक्स की वैल्यू प्रिंट होके आ जाए। उसके बाद लिखता हूँ मैं एक्स प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके बाद लिखता हूँ व्हाइल, और यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर व्हाइल के बाद कंडीशन लगे, देन सेमीकोलन लगा, ये याद रखना यहाँ पर लगा हुआ है सेमीकोलन, यहाँ पर मत भूल जाना, यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो डू और व्हाइल लूप में केवल ये अंतर होता है कि डू में सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, और व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, देन इसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ओके, देन इसके बाद मैं गेट सी एच लगा दूंगा, देन कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, तो 3 नंबर को प्रिंट कराना चाहता हूँ, चलो इसको देख लेते हैं। मैं लिखा x नाम का वेरिएबल, उसके अंदर कोई वैल्यू है 1 नाम की वैल्यू है, फिर मैं चेक करता हूँ, सीधे जाता हूँ 1, तो करता है ड्यू डू कि आप डू करिए, क्या करिए, प्रिंट एफ करिए, देन इसके बाद परसेंट डी, देन x की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, तो 1 इसने वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। इसके बाद x प्लस प्लस कर दीजिए, x की वैल्यू बढ़ा के 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 हो गई। देन इसके बाद नीचे आया व्हाइल कंडीशन चेक करी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ कंडीशन 2 है, तो फिर क्या करेगा, इसी के अंदर आ जाए, डू क्या करिए, प्रिंट एफ कर दीजिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, प्रिंट कर दिया। फिर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दीजिए, फिर मैंने 3 कर दिया यहाँ पर। फिर चेक किया कि व्हाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो वो कहेगा हाँ सही है, 3 या तो लेस देन है या इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या करेगा, डू करेगा, देन प्रिंट ऑफ 3 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर देगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब चेक करेगा कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो जैसी फॉल्स हुई तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसी फॉल्स हुई तुरंत सेमी कॉलन को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब ये लाइन टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद गेट सी एच पे आ जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1, 2, 3 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, समझ में आया, प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर लूप, नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर लूप। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इसमें लिखते हैं सबसे पहले फॉर, उसके बाद लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, उसके बाद लिखते हैं कंडीशन, देन सेमीकोलन, उसके बाद लिखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ भी ऐसी कंडीशन जिससे कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो सके, देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स नोट कर लीजिए। तो इसी एग्जांपल को हम फॉर लूप से भी करके देखते हैं। वन से लेकर थ्री तक की वैल्यूज को मैं फॉर लूप से प्रिंट करा के लिखता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए मुझे एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इंट एक्स एक नाम का एक वेरिएबल ले लिया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर, उसके बाद मैंने क्या लिखा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू का इनिशियलाइजेशन कीजिए। तो एक्स इक्वल टू वन वैल्यू का इनिशियलाइजेशन हो गया। कंडीशन लिखिए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन लिख दी। एक से लेके चार तक के नंबर को मुझे प्रिंट कराना है। मैंने फिर लिखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लिकेशन जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक एक नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, मतलब एक एक नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। वन के बाद टू आए, टू के बाद थ्री आए, थ्री के बाद फोर आए, इसलिए मैं एक का इंक्रीमेंट करूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लिख दूँ, या और एक्स प्लस प्लस लिख दूँ। ठीक है, और एक्स प्लस इक्वल टू वन ये भी लिख सकता हूँ। तीनों का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तीनों का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, डन। इसके बाद मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। क्या स्टेटमेंट था मेरा, प्रिंट एफ परसेंट डी देन बैक स्लैश एन देन एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया जाए देन गेट सी। ठीक है, देखो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, चेक करते हैं क्या ये परफॉर्म करता है कि नहीं करता। देखिए, एक्स के अंदर मैंने वन रखा। ओके, सबसे पहले एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसका एड्रेस मान लो 200 है, और एक्स के अंदर मैंने वन वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन वैल्यू का। देन इसके बाद सेमी कॉलन, देन इसके बाद कंडीशन चेक करी क्या वन इज लेस देन इक्वल टू फोर है। कंडीशन ट्रू हुई, तो जैसी कंडीशन ट्रू हुई अंदर आएगा, जैसी कंडीशन ट्रू हुई अंदर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया, वन वैल्यू प्रिंट हो गई। इसके बाद जैसे ही होगा तुरंत यहाँ पर जाएगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, के बाद तुरंत यहाँ पर आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। तो इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन से टू हो जाएगी। अब चेक करेगा कि टू जो है, अब इससे मतलब नहीं है, उसे इनिशियलाइजेशन से मतलब नहीं है, टू जो है क्या लेस देन इक्वल टू फोर के है। हाँ सही है, ट्रू हो गया, तो टू की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फिर बढ़ा दिया, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन थ्री हो गई। फिर चेक किया कि थ्री इज लेस देन इक्वल टू फोर है, कंडीशन टू है, तो थ्री की वैल्यू को प्रिंट कर दे। फिर उसके बाद फिर बढ़ा दिया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फोर हो गई। ठीक है, फिर चेक किया कि फोर इज लेस देन इक्वल टू फोर है, कंडीशन ट्रू है, कि चार हमारा छोटा है या बराबर है चार के, कंडीशन ट्रू है, तो चार की वैल्यू प्रिंट कर दी जाए। उसके बाद तुरंत फिर बढ़ाएगा, फिर क्या किया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फाइव हो गई। अब चेक करेगा, फाइव इज लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ गया, देन गेट यस, देन आपका आउटपुट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ठीक, देखिए ये फॉर लूप एक तरीके से देखा जाए तो आपके वाइल लूप की तरह ही है, देखा जाए तो कैसे, देखिए मैं चाहूं तो इस फॉर लूप को ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से इस एक्स प्लस प्लस को यहां कर दूं,
ठीक है, और इस इनिशियलाइजेशन को यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ, ठीक है, बस यहाँ पर सेमी कॉलन लगने रहने दो, यहाँ भी सेमी कॉलन और यहाँ भी सेमी कॉलन, क्योंकि सिंटेक्स में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो ये सिंटेक्स है, सेमी कॉलन यहाँ लगेगा, सेमी कॉलन यहाँ लगेगा, तो इनिशियलाइजेशन मैंने ऊपर कर दिया, कंडीशन मैंने बीच में लगा दी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो करना था मैंने यहाँ पर कर दिया, तो भी ये आपका काम कर जाएगा, तो भी क्या करेगा, ये आपका काम कर जाएगा। तो सेम देखिए, एक तरीके से व्हाइल लूप नहीं दिखाई दे रहा, व्हाइल लूप में हम बीच में कंडीशन लिखते थे और ऊपर इनिशियलाइजेशन करते थे और अंदर की तरफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लिकेशन करते थे, यही तो करते थे, तो सेम नहीं लग रहा ये बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह। तो व्हाइल लूप भी फॉर लूप भी जो है व्हाइल लूप की तरह काम कर सकता है, बस हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सेमी कॉलन हमेशा लगा के रखना, यहाँ सेमी कॉलन हमेशा लगा के रखना, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ जाएगी। क्या जाएगी? सिंटेक्स एरर आ जाएगी। एक और बात कि फॉर लूप के आगे यहाँ पर कभी सेमी कॉलन मत लगा देना, वरना फॉर के अंदर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है, जैसा व्हाइल लूप में किया था, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखना। दीक्षा, अगर गलत प्रोग्राम रन करा दिया है आपने, मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया, यहाँ पर आपने वन लिख दिया, ठीक है, वन आपने लिखा, एक्स इक्वल टू वन, कोई बात नहीं, इनिशियलाइजेशन हो गया, वन लिख दिया, तो वन का मतलब है कि ट्रू, वन का मतलब क्या है? ट्रू। तो जैसे ट्रू लिखा, कोई वैल्यू वन है, यस है, तो प्रिंटर करे एक्स की वैल्यू, तो वन प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर करेगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो फिर करेगा टू प्रिंट करेगा, फिर थ्री प्रिंट करेगा, फिर टू प्रिंट करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, टू हो जाएगी, ठीक है, फिर चेक करेगा क्या वन ट्रू है, वो कहेगा हाँ ट्रू है, तो फिर टू प्रिंट कर दिया, फिर इसके बाद कहेगा कि एक्स की वैल्यू थ्री हो गई, अब चेक करेगा कि वन कंडीशन है लिखी हुई यहाँ पे, वन लिखी हुई है, वन नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हो, वन लिखा हो, टू लिखा हो, वन लिखा हुआ है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू को, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर बार ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पर थ्री वैल्यू प्रिंट कर देगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन हुआ तो फिर क्या करेगा? फोर हो जाएगा, फोर वैल्यू हो जाएगी, फिर यहाँ पर लिखेगा, लिखा हुआ है वन, वन मतलब ट्रू, तो फोर वैल्यू प्रिंट कर देगा, इस तरीके से चलता जाएगा 5 6 7 8 9 10, अब वो इनफाइनाइटली वो लूप चलता जाएगा और आपकी ब्लैक स्क्रीन भागती जा रही है, भागती जा रही है, तो क्या होगा? इनफाइनाइटली लूप चलता जा रहा है, ठीक है, ओके, तो इस तरीके से लूप चलता जा रहा है, तो उस स्क्रीन पर क्या किया जाए, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आप ब्रेक कीवर्ड को यूज करके, ब्रेक जो आपके कीबोर्ड में दे रखा है उसको जब प्रेस करेंगे उसको रोक सकते हैं एक जगह पर, तो आपको वो प्रोग्राम बंद ही करना पड़ेगा, बस ये है कि आप जब भी प्रोग्राम बनाएं टर्बो सी के अंदर, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मैं हमेशा उस प्रोग्राम को सेव करके रखें। तो सबसे पहले जब आप टर्बो सी ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं और आप उस प्रोग्राम का नाम जरूर दें, तो उस प्रोग्राम का नाम देने से जो होगा कि हम कभी भी उसे ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है या जैसे ये एरर आ रही है तो उस एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है दीक्षा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 वैल्यू लिख दूँ तो वो भी ट्रू मानी जाएगी, तो कोई भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है वो ट्रू मानी जाएगी और ये इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अब मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया और मैं एक सेमी कॉलन लगाया, दूसरा सेमी कॉलन लगाया और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो ये भी इनफाइनाइट लूप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनफाइनाइट लूप, ये भी इनफाइनाइट लूप है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको बोल दें कि भाई एरर आएगी, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम रन होगा लेकिन एरर आएगी, सॉरी एरर नहीं आएगी, इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ये इनफाइनाइटली रन होता रहेगा। आपके
ये लिखा तो है, ब्रेक की लिखा तो है एंड, एंड के पास में लैपटॉप में लिखा होगा एंड ब्रेक, एंड और ब्रेक लिखा होगा लैपटॉप में तो लिखा हुआ है, जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ लेनोवो का उसमें ब्रेक और एंड दोनों एक ही की पर लिखा हुआ है। ठीक है दीक्षा, तो उससे हम रोक सकते हैं, बस देख सकते हैं, लेकिन हमें प्रोग्राम को पूरा स्टार्ट ही करना पड़ेगा, बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये लूप समझ में आ गए होंगे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं और उनकी क्या कंडीशन होती है और इसमें कैसे इंक्रीमेंट होता है वैल्यू और कैसे इसमें कंडीशन लगाई जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ और दो तीन क्वेश्चन करके देखते हैं और कि हम इन लूप से कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप जो चाहे वो लूप लगा सकते हैं, चाहे आप व्हाइल लूप लगाएं, चाहे आप डू व्हाइल लूप लगाएं, चाहे आप फॉर लूप लगाएं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी लूप लगा सकते हैं। बस ये होता है कि कहीं कहीं पर फॉर लूप लगाना आसान होता है क्योंकि एक ही लाइन में तीनों चीज़ें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और कहीं पर व्हाइल लूप लगाना आसान होता है, कहीं पर डू व्हाइल लूप लगाने से एक फ़ायदा होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन लगती है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन लगती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि हमें अगर कोई मैसेज देना कि भाई वो मैसेज सबसे पहले प्रिंट होके आ जाए उसके बाद हमारी कोई कंडीशन लगे, तो उस केस में हम डू व्हाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्विच केस बताया, तो अगर मैं स्विच केस ऐसा लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि वन दबाइए तो आपका एडिशन हो जाएगा, टू दबाइए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, टू दबाइए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, थ्री दबाइए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फोर दबाइए तो डिवीजन हो जाएगा, ऐसा कुछ मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाह रहा था। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम था, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बार बार हो, ये प्रोग्राम, ये वो यूजर जो है बार बार पूछे आपसे। ठीक है, अगर बार बार पूछे तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डू के अंदर स्विच वाला केस लगा सकते हैं, देन उसके बाद वाइल के अंदर एक कंडीशन लगा सकते हैं हम कि अगर अगर यूजर जीरो वैल्यू प्रिंट, जीरो वैल्यू प्रेस करता है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाए और हमारा वो जो स्विच केस है वो चलने लगे, और जीरो के अलावा कोई और वैल्यू देता है यूजर तो क्या हो जाए, वो उस स्विच केस से या वाइल लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो कोई ऐसा एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बेटा ब्लैक स्क्रीन नहीं हटेगी, मैंने बोला था केवल रोक सकती है वो, एंड की से केवल रोक सकती है, हटाने के लिए आपको प्रोग्राम को बंद ही करना पड़ेगा। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो आप ऊपर से उसे बंद कर दीजिए, ऑल्ट F4 दबा दीजिए, बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको टेबल लिखनी है टू की, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू 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 थ्री जा सिक्स, फोर एट डॉट 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 20 तक। ठीक है, आपको एक टेबल लिखनी है, तो ये टेबल का प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ वर्ड में, इसके ऊपर जितनी भी हेडर फाइल हैं आप उनको इंक्लूड कर लेना। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ इंटीजर आई इक्वल टू वन कॉमा एफ और एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब मैंने कहा तो देखिए ये क्या होता है, टू वन जो टू कैसे आता है मैं बात करूं तो टू इंटू वन इक्वल टू टू होता है, टू इंटू टू इक्वल टू फोर होता है, टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स होता है, टू इंटू फोर इक्वल टू एट होता है, डॉट 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 टू इंटू टेन इक्वल टू 20 होता है। तो कुछ इस तरीके से टेबल बनती है आपकी। ठीक है, तो यही मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू तो सेम रहे टू 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 टू, लेकिन ये वैल्यू चेंज होती रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू क्या है चेंज होती रहे।
और रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ हम करना चाह रहे हैं, चलो देखते हैं। अब ये मैंने एक वेरिएबल बना, ये एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, तो आई क्या करेगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और एक्स के अंदर हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे 2 का, 2 वैल्यू ले लेंगे, या 3 का टेबल बनाना है 3 की ले लेंगे, 4 का टेबल बनाना है तो 4 वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर अ नंबर और क्रिएट टेबल। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, मैंने ये मैसेज दे दिया। तो मैं एक वैल्यू स्कैन करा लेता हूँ, स्कैन एफ परसेंट डी और एक्स के अंदर वैल्यू मैं असाइन करा लेता हूँ। तो एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है भाई, एक्स के अंदर कोई एड्रेस होगा और आपने मान लीजिए 2 नंबर इसके अंदर दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या किया मैंने, एक आई नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 1 रख दिया, इसका मान लो एड्रेस 200 है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, एक फॉर लूप चलाता हूँ, आप वाइल भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल भी चला सकते हैं। चलिए वाइल से करते हैं, सब वाइल लिखा, यहाँ पर लिखी मैंने कंडीशन कि आई जो है लेस देन इक्वल टू 10 के है, आई जो है लेस देन इक्वल टू 10 के है, तो प्रिंट एफ कर दो परसेंट डी बैक स्लैश एन एक्स मल्टीप्लाई आई, एक्स मल्टीप्लाई आई देन आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो। या आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है, देन गेट सी एच कर दो। देखिए क्या होगा इससे, आई के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है, 1 रखी हुई है, तो देखिएगा 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद क्या करेगा, परसेंट डी देन बैक स्लैश एन, यहाँ पर लिखा हुआ है इस परसेंट डी की वजह से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा एक्स इंटू आई का, तो एक्स के अंदर 2 लिखा हुआ है और वाई के आई के अंदर 1 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होगी कि 2 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कि 2 जो है वो लेस देन 10 के है, कंडीशन होगी ट्रू, देन इसके बाद परसेंट डी की वजह से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, 2 जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद i इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, देन क्या करेगा 2 इंटू 3 6 प्रिंट कर देगा, डॉट 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 चलता रहेगा। अब i की वैल्यू हो गई मान लीजिए 9, ठीक है, तो चेक करेगा 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो क्या करेगा 2 इंटू 9 18 हो गया। ठीक है, फिर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हटके 10 हो जाएगी वैल्यू, फिर चेक करेगा 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद आएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, देन इसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 तो कितना हो जाएगा ये 11, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो जैसी फॉल्स होगी इससे बाहर आ जाएगा, आपको 2 की टेबल मिल जाएगी। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर 2 वैल्यू ले रहा हूँ, अब आप किसी का भी टेबल बना सकते हैं, आप यहाँ पर दे दीजिए 121 तो उसकी टेबल आ जाएगी, आप जो नंबर देंगे उसकी टेबल बन जाएगी, अगर क्योंकि एक्स की वैल्यू भी यूजर से ले रहा है वो,
ले रहा है कि नहीं ले रहा, एक्स की वैल्यू यूजर से ले रहा है, इस वजह से आप जो भी नंबर देंगे उसकी टेबल आ जाएगी। तो सोचिए आपने एक अब ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर, उसकी आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सोचिए आप कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है और आप इसको किसी को भी .exe फाइल जो कन्वर्ट होकर आती है उसको आप कहीं पर भी ले जाते हैं विंडोज के अंदर, उसे जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखिए कोई भी नंबर आप दीजिए, कोई भी नंबर आप उसका क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप उसकी टेबल बना सकते हैं। कितना आसान होता है ये लूप को एग्जीक्यूट करना, अगर एक बार लूप को समझ में आ जाए कि लूप हम कंडीशन कैसे लगाएंगे और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो ये मैंने व्हाइल से बनाया था, इसी को मैं फॉर से भी बना सकता हूँ, फॉर लूप से भी बना सकता हूँ, क्योंकि एक लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर लिखा मैंने एक्स इक्वल टू वन, आई है आई इक्वल टू वन लिखा, आई इक्वल टू वन यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पर भी आई इक्वल टू वन लिख दिया, लिखूँ या ना लिखूँ चाहूँ तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, और बार दूसरी बार भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर यह मत कर देना इंटीजर आई इक्वल टू वन, ऐसा मत कर देना इंट आई इक्वल टू वन। मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस चीज की कि आई इक्वल टू वन यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, अगर यहाँ करोगे तो यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलेगा कि जो इनिशियलाइजेशन करना है आपको वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना है ऊपर करिए, मतलब सी एल आर एस सी आर लगाने से पहले ऊपर करिए। ठीक है, तो यहाँ आप इंटीजर नहीं लगाएंगे, लेकिन आप जब सी प्लस प्लस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं या कोई और हाई लेवल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो वहां पर इस चीज को रिमूव कर दिया गया है, आप कहीं भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी के अंदर ये रूल नहीं है। ओके, आई इक्वल टू वन लिखा, देन मैंने लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, हाँ आई इज लेस देन इक्वल टू टेन, देन आई प्लस प्लस लिख दिया। ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट लगाया, देन इसके बाद प्रिंट एफ लिखा, देन इसके बाद परसेंट डी लिखा, बैक स्लैश एन दबाया, देन इसके बाद मैंने एफ और मल्टीप्लाई आई कर दिया। ठीक है, दैट्स इट, वही सेम स्टेटमेंट है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस क्या किया है मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया, एक ही लाइन में कंडीशन लिख दी, एक ही लाइन में इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टू की टेबल बना सकते हैं। ओके, समझ में आ गया सभी को, मिटा दूं। आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ एन नंबर्स, मतलब आपसे बोला जाए कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का एडिशन आपको मिल जाए, या 10 तक के नंबरों का एडिशन मिल जाए, तो 1 प्लस 2
थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन, इन सबका एडिशन आपको रिजल्ट में मिलेगा। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, तो ये डिपेंड करता है कि 1 से लेकर 10 तक का देना है। ये नंबर आप यूजर से ले लेंगे, ठीक है। मैंने 10 तक का एडिशन बताया आपको, बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या करना, 1 से 10 तक का देखना, 1 से 20 तक का देखना, 100 तक का देखना, इन सब का एडिशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर, इन अ नंबर। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने दिया कोई नंबर 1536, ठीक है, ये एक नंबर है। तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को चेक करना है कि भाई पहला ये 1 है, तो 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, इसका रिजल्ट आ जाए। तो क्या होगा, ये जो नंबर है 1536, इसकी डिजिट जो दे रखी, 6 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, इन सब का क्या आ जाए, इनकी डिजिट का एडिशन आ जाए, इनकी डिजिट का एडिशन आ जाए। जैसे इसका एडिशन क्या होगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 6 6 12, 12 3 15, इतना वैल्यू आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 15। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट रिवर्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर का रिवर्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने नंबर दिया 236, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 632, ठीक है। तो ये नंबर दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर। एक और एग्जांपल देख लो, इसमें अगर मैंने देखा 1 2 3 4 नंबर, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो ये रिवर्स आपको प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आप करिए, वैसे और भी देने चाहिए, फाइंड द पैलिंड्रोम। चलो एक और दे देते हैं, टू फाइंड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। देखिए, पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, अगर मैं किसी नंबर को रिवर्स करूं और वही नंबर सेम आ जाए तो वो कहलाता है आपका पैलिंड्रोम नंबर। जैसे कि मैं लिखा 1 2 1, इसको रिवर्स करो तो क्या आ जाएगा, 1 2 1, ठीक है। अगर मैंने नंबर दिया 2 3 4 3 2, अब इसको रिवर्स करो 2 3 4 3 2 को, यही मिलेगा 2 3 4 3 2, देखिए 2 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, 4 को यहीं रहने दिया, 3 को यहाँ रहने दिया, 2 को यहाँ रहने दिया। ओके, तो एक ऐसा नंबर जिसको मैं रिवर्स करने पर वही नंबर मिल जाए मुझे, तो वो क्या कहलाता है आपका, पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन करके लेकर आने, ठीक है, 4 क्वेश्चन करके लेकर आने। अगर एक भी नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर करना। ओके, एक बार ट्राई जरूर करना, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से हम एक क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन किया करेंगे लूप से रिलेटेड। तो जब हम लूप से रिलेटेड 10 10 क्वेश्चन कर लेंगे, तो 3 क्लास में आपका पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आप नेस्टेड लूप भी सीख जाएंगे और सिंपल लूप भी सीख जाएंगे, और उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी सीख जाएंगे। बस ये आप पर डे मेरे लेक्चर्स को जरूर देखें, ठीक है। अभी यहाँ तक जितना भी पढ़ा दिया, उसमें कोई डाउट हो तो पूछिए।
अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, इस लेक्चर को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।